नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। देखिए आप मेरे फ़ोन को देख सकते हैं, कितना बढ़िया इसका लुक मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फ़ोन का लुक 3D लुक में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन का लुक जो है 3D लुक में बना रखा है, जैसे कि आपको अपना स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे ही आप अपने फ़ोन के लुक को बदल सकते हैं। तो ये वाली ऐप आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। आप घबराइए मत, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और इसकी सेटिंग्स की। देखिए यहां पर दो तीन तरह की आपको सेटिंग दी है। देखिए यहां पर ये आपको पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपने फ़ोन को रिफ्रेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन उसी वक्त रिफ्रेश हो जाएगा, एकदम नए जैसा काम करने लग जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा थीम्स का, आप यहाँ पर क्लिक करके नई नई थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको वॉलपेपर का, यहाँ से आप अपने मूड के हिसाब से वॉलपेपर अपना सेट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगी, ठीक है, यहाँ से आप कैटेगरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा कैटेगरी हो, मूड हो, आप उस हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स पे, चलिए कुछ मैं चेंज करके यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए अब जैसे ही वॉलपेपर, आपको यहाँ पर फिर नीचे क्लिक करना पड़ेगा सेट वॉलपेपर पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर अब ये वाला वॉलपेपर लग जाएगा। आप अपने पसंद के हिसाब से दूसरा भी लगा सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। आप देखिए ये, और जो ये आपको इफ़ेक्ट दिख रहा है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको जो स्टार का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर स्टार के आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर स्टार के आइकन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आप किस तरह से अपनी स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है स्क्रीन के लिए और दूसरा है एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो पहले हम स्क्रीन के ड्रॉअर को हम चेंज करते हैं, इसके इफेक्ट को देखिए। चलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए किस तरह से स्क्रीन खुल रही है, जैसे पेज हम चेंज करते हैं उस तरह से, ठीक है। अब इसको चेंज करना है आपको, तो आप फिर से स्क्रीन पे क्लिक करके और नीचे कुछ आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अब किस तरह से खुल रही है, जैसे कोई ग्लोब, जैसे धरती घूमती है उस तरह से, बॉल की तरह। और अब अगर आप इसके एप्लीकेशन इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन अभी जैसे खोल रहा था तो घूमते हुए नज़र आ रही थी आपको, अब देखिए अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब ये किस तरह से खुलेगी एप्लीकेशन, ये देखिए और पहले किस तरह से आ रही थी, पहले घूमते हुए आ रही थी। तो कितना बढ़िया आप इस पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी इस तरह के इफेक्ट देखेगा तो वो ज़रूर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आपके फ़ोन को देखकर, आपके फ़ोन के लुक्स को देखकर। देखिए अब मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ। देखिए पहले मैंने ये लगा रखी थी, तो मैंने दोबारा इसको सेट कर दिया है क्योंकि ये बहुत अच्छी दिखती है। देखिए तो बहुत ही अच्छी ऐप है, अपने फ़ोन पर एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अपने फ़ोन को सबसे हटके बनाइए, 3D लुक दीजिए। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और इसका मज़ा उठाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।